हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का भी थोड़ी ही देर में ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ना निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूसली एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। क्या था वो लेवल? 14,700। हमने 19th को, 22nd को एंड इनफैक्ट 23rd की जो हमारी क्लोजिंग थी वो तो 14,800 यानी कल की क्लोजिंग 14,800 के ऊपर होती नजर आई थी। एक कंसर्न बना था 14,850 का कि अगर इसे क्रॉस नहीं करते तो प्रॉब्लम होगा। नाउ 3 दिन के अच्छी क्लोजिंग के बाद में आज मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग की और गैप डाउन ओपनिंग के साथ में ही मार्केट के अंदर में प्रेशर भी बनता हुआ दिखा। थोड़ी देर के लिए संभलते हुए भी नजर आए मार्केट, लेकिन उसके बाद में फॉल कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। इसके चलते हुए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था, फर्स्ट ऑफ ऑल 14,700 वो तो टूटा, उसी के अलावा 14,600 काफी देर तक यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था निफ्टी। लेकिन क्लोजिंग सेशन में यानी आखिरी कुछ ट्रेड अब अगर कैंडल देखेंगे 45 मिनट्स का तो 45 मिनट्स के अंदर में इसे भी तोड़ता हुआ नजर आया। ये क्लियर कट एक इंडिकेशन है कि बाय ऑन डिप्स वाला जो 3 दिन से मार्केट चल रहा था, यानी थोड़ी भी डिप मिलती थी बाय खरीदी जाती थी, थोड़ी भी डिप मिलती थी बाय खरीदी जाती थी, डिप मिलते ही बाय खरीदी जाती थी, वो मार्केट फिर से खत्म हो गया है एंड सेल ऑन राइज वाला फिर से एक बार आपके लिए मार्केट नजर आता हुआ दिखेगा। सो अब क्या करना चाहिए? थोड़ा सा कॉशियस व्यू अब लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? रीजन बीइंग, हम फिर से लोअर लेवल पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। जब डेली मैं डेली चार्ट के ऊपर मैं चलूंगा तो आपको बताऊंगा पैटर्न भी वहां पे नेगेटिव बना हुआ है। सो क्या हो सकता है? फिलहाल डाउ जोन्स शायद प्लस पॉइंट ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं, लेकिन मार्केट बाय ऑन डिप्स नहीं सेल ऑन राइज वाला है, तो ऊपर की तरफ से सेल इनिशिएट किया जा सकता है। अगर कहाँ पे सपोर्ट है उसके बारे में बात करें तो 2-3 लेवल्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। नीचे की तरफ यस 14,468 का जो लेवल है, दिस लेवल इज इंपॉर्टेंट। एक सपोर्ट आपको वहां पे आते हुए मिलेगा एंड दूसरा बाउंस बैक के जो चांसेस है वो 14,350 से बनते हुए। कहीं ना कहीं ये दोनों लेवल आते हुए चार्ट पे नजर आ रहे हैं और अगर कल के दिन में 14,350 आ जाए तो सरप्राइज भी होना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहे हैं, मार्केट ऐसा लग रहा है कि कोई तो एक इंटरनल न्यूज है जो हमारे पास में नहीं, शायद वो लॉकडाउन को लेके है या लॉकडाउन में जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं, FII अपनी पोजीशंस को नहीं बढ़ा रहे हैं, FII शॉर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं उसके चलते हुए, तो शायद आपको डीप में मार्केट एक बार 14,350 के आसपास जाता हुआ नजर आएगा। अगर 14,350 के नीचे जाएगा तो डेफिनेटली अनदर लेवल जो मैं डेली चार्ट के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। सो करना क्या है? जैसा हमने पहले डिस्कस किया, ऊपर की तरफ मिलता है जो लेवल अभी तक सपोर्ट का काम कर रहे थे, वो लेवल सब आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। सो 14,642 से लेके 14,700 के बीच में एक शॉर्ट क्रिएट करना चाहिए और ये शॉर्ट अगर क्रिएट करेंगे तो यहां से 100 पॉइंट का आप टारगेट रख सकते हो। 14,642 से आप 14,542 14,500 तक के लेवल के लिए काम कर सकते हैं शॉर्ट के लिए। इसके अलावा अगर ऊपर की तरफ जाता है, मान के चले 14,700 भी तोड़ दिया, तो एक स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है जो 14,740 का होगा। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 14,642 के आसपास में शॉर्ट हो सकता है। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो 14,700 विल बी दी परफेक्ट लेवल जहां पे शॉर्ट क्रिएट करना चाहिए। लॉन्ग कहां क्रिएट करना है? सर, बार बार लेवल्स तोड़ रहा है तो लॉन्ग क्रिएट करने में अब डर लग रहा है कि लॉन्ग क्रिएट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो वेट करते हैं। 14,468 से एक बार बाउंस बैक हुआ था, लेकिन जब ओपनिंग हुई उसके नीचे गए, 14,350 से हमने बाउंस बैक किया है। सो कहीं ये फॉल 14,350 को भी ना तोड़ दे, इसके लिए डर लग रहा है। सो वेट करते हैं, लेट्स सी। अगर 14,350 टूटता है तो 14,200 के आसपास में लॉन्ग बनाया जा सकता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड लेना चाहें जो कि रिस्की होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड लेना चाहें तो डेफिनेटली 14,468 एंड 14,350 लॉन्ग क्रिएट करने के लिए अच्छे लेवल्स हो सकते हैं। ऊपर की तरफ 14,564 एंड 14,650 उसके लिए टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल फिर से ऐसा लग रहा है कि लोअर रेंज पे निफ्टी जाते हुए नजर आ रहा है और उसका रीजन क्या है? लुक एट दिस नाउ। आपकी जो क्लोजिंग हुई थी निफ्टी की 19th मार्च को, वो पियर्सिंग कैंडल थी, रिवर्सल इंडिकेट कर रही थी। सेकेंड डे हमने डोजी बनाया, डोजी को ऊपर की तरफ हमने ब्रेक किया, लेवल सस्टेन नहीं हुए, आज डोजी नीचे की तरफ भी ब्रेक हो गया, यानी फेक कैंडल बना हुआ था, फेक ब्रेकआउट बना हुआ था जो कि आज नीचे की तरफ क्लोज होता हुआ नजर आया। आइडली स्पीकिंग अगर ऐसा होता है तो नीचे के लेवल्स, यानी जहां पे आपका ये जो कैंडल था
ये जो रैली चालू हुई थी वहां तक तो आना चाहिए अगर इस तरह का मूव देखने को मिल रहा है, तो जो 14,350 के आसपास में बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर इसे भी तोड़ा तो 14,200 विल बी दी लास्ट सपोर्ट, और अगर ये टूटता है तो आप 500 पॉइंट तक और गिरने की तैयारी रख सकते हैं। सो 14,000 एंड देन उसके बाद में 13,800 ये गिरने की तैयारी हो सकती है, शायद कोरोना के बढ़ते नंबर की वजह से ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट के अंदर में वॉल्यूम भी कम देखने को मिल रहा है, जो कि रियल में एक कंसर्न है, अपने आप में एक कंसर्न बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ऑप्शन चेन अगर देखेंगे तो लेट मी मेक इट फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट व्यू, एंड क्लोजिंग हमारी 14,550 के आसपास हुई है। सो 14,550 हमारा एट द मनी होगा। लेट्स टॉक अबाउट 14,600 नॉट 14,550। रीजन बीइंग जब 15,000 के नीचे होता है तो मैं जो 50 का मल्टीपल है उसके ऊपर में इतना फोकस नहीं रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे पोजीशंस इतनी नहीं बन रही है। सो कल के दिन की एक्सपायरी है, 14,600 पे हम काम करते हुए नजर आ रहे हैं। 36,797 का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप देखने को मिल रहा है हमें कॉल साइड में, एंड पुट साइड में 28,310 का बिल्टअप देखने को हमें मिल रहा है। ओके सो अगर बात करें 52,686 14,700 अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप देखने को मिल रहा है। 15,000 पे आप 75,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, 54,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे 14,800 पे, एंड 52,686 लॉट का ओपन इंटरेस्ट 14,700 पे देखेंगे। दिन भर के अंदर में अच्छी खासी राइटिंग होते हुए नजर आई है, सो 14,700 पे आज के दिन में अच्छी खासी राइटिंग हुई है, जो कि 14,700 को अब एक इंपॉर्टेंट लेवल बता रहा है ऊपर की तरफ। हमने बात भी उसी लेवल के बारे में किया, 14,700 चार्ट पे भी इंपॉर्टेंट लेवल दिखा रहा है और ऑप्शन चेन में भी इंपॉर्टेंट लेवल दिखा रहा है, यानी उसके आसपास में मिले तो एक बार बिकॉलिंग इनिशिएट कर जा सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट किया जा सकता है। अगर मैं कॉल साइड के बारे में बात करूं तो कॉल साइड में इसके आधे के आसपास के पोजीशन देखने को मिल रहे हैं। 14,500 पे आज अनवाइंडिंग हुई है, यानी एक्सपेक्टेशन है कि शायद और नीचे मार्केट जाए, यानी जिस तरह का मूव था डेफिनेटली उसके हिसाब से चलता हुआ दिख रहा है। 14,000 पे हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट है एंड वहां पे भी अनवाइंडिंग हुई है। दैट डजंट मीन हम 14,000 पे जा रहे हैं, बट यस डर तो बना रहता है, ₹2 ₹1 के लिए कोई भी अपनी पोजीशन ओवरनाइट नहीं रखना चाहता है। ओवरनाइट को जो हो यूरोप में उसके सॉरी माफ करिए ओवरनाइट जो भी आपका डाउ फ्यूचर और नैसडैक के अंदर में हो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर में इंपैक्ट बुरा दिख रहा है। अगर वो पॉजिटिव जाते हैं तो हम पॉजिटिव नहीं जाते हैं, लेकिन वो निगेटिव जाते हैं तो हम निगेटिव जाते हैं। सो सपोर्ट 14,200 पे देखने को मिल रहा है, 14,300 पे देखने को मिल रहा है, एंड 14,400 पे देखने को मिल रहा है। ऐसे ही सपोर्ट कल के दिन में हमें नीचे की तरफ भी देखने को मिल रहे थे, और आज के मार्केट की वजह से हुआ क्या है, ये ट्रैप होते हुए नजर आया, यानी शॉर्ट कवरिंग छोड़ दीजिए वो तो नहीं मिलने से रहा, लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है जो मार्केट को थोड़ा और नीचे ले जा सकता है। रेंज क्या हो सकता है, रेंज थोड़ा सा वाइड हो गया है, अगर 200-250 पॉइंट आप रोज गिरेंगे तो डेफिनेटली रेंज थोड़ा बढ़ते हुए नजर आएगा। मुझे लग रहा है क्लोजिंग कहीं ना कहीं 14,300 व्हेन आई से 14,300 14,350 मेरी नजर में है, शायद वहां पे हम जाते हुए नजर आए, और ऊपर की तरफ 14,600 के बीच में एक्सपायरी होते हुए नजर आ सकती है। अगर कोई पॉजिटिव मूड बना तो 14,700 विल बी द मैक्स मोमेंटम जहां तक हम जाते हुए नजर आ सकते हैं। इस रेंज के अंदर ये 400 पॉइंट के रेंज के अंदर में क्लोजिंग कल के दिन में हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी, होप वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आने वाला वीक आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।